वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ मनीषा, आज मैं आपको ले चलती हूँ पंजाब की ओर। तो वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध डिश सरसों के साग मक्के की रोटी। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या सामग्री चाहिए। हमें चाहिए सरसों का साग। हमने ये सरसों का पहले से धो लिया है पत्तों को और कट करके रख लिया है। ये हमारा आधा किलो सरसों का साग है और इसमें मिक्स करने के लिए हमने आधा किलो में थोड़ा ये पालक के पत्तों को इस्तेमाल किया है और बथुआ लिया है, इसको भी हमने धो के काट के रख लिया। ये हमारा मक्के का आटा है, आधा किलो ये आटा है। इसको गूंदने के लिए हमें पानी चाहिए। अब हम तड़का देखेंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमें 2 पिंच हींग चाहिए, इसमें हमें 4 कली लहसुन की चाहिए, ये हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको हमने ग्रेट करके रखा है। ये हमारा 1/2 टेबल स्पून हमारा हल्दी का पाउडर है। ये हमने मिर्ची ली हुई है, 2 मिर्चियों को हमने बीज निकाल के कट करके रखा है। ये हमारा 1 प्याज है, अगर बड़ा है तो 1 लेना है, छोटा है तो 2 लेके कट कर लेना है। ये हमारा तड़के का सामग्री हो गया। अब हम साग को पहले बॉईल करेंगे। तो इसके लिए हमें कुकर लिया है, इसमें हम इसको नीचे रखेंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो भी ग्रीन वेजिटेबल होती है उसमें ऑलरेडी पानी होता है। साग में सबको डाइजेस्ट कम होता है तो इसलिए हींग हमें डालना जरूरी है। इसे भी देखिए 4 सीटी हो चुकी है। अब हम इसे भून लेते हैं। ये हमारा साग लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हमें मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना, हमारी ये पारंपरिक है, इसी से हमें इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिक्स करना है। गर्म हो गया है, अब हम तड़का लगाते हैं। इसके लिए हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। इसमें 3 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। हमें इसमें सरसों का तेल जरूरी डालना है क्योंकि साग में सरसों का साग और सरसों का तेल दोनों का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हम डालेंगे इसमें डाल के फिर अच्छे से मिक्स करें।
आटा डाल दिया, हमारा ये साग अच्छे से बाइंड हो गया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। एक से डेढ़ चम्मच, आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा खाते हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। साग अभी तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे आटा, ये मक्के के आटे को गूंदेंगे। इसके लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के। आटे का डो तैयार हो गया, हमने इसके पेड़े बना लिए बड़े बड़े। अभी हम इसको हाथों से अच्छे से मसलते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसको हम हाथ से मसलते हुए धीरे धीरे आराम से इसे धीरे धीरे इसको आपस में बेलेंगे। हमारी मम्मी और नानी वगैरह तो हाथों से बनाती थी, बट हमें तो नहीं आता है, तो हम ऐसे ही बताएंगे आपको। ये हमारी रोटियां तैयार हो गई। इसको हम पैन लगाते हैं, तवा लगाएंगे। हमारा तवा देखिए गर्म हो गया है, इसमें हम अपनी रोटी डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी रोटी एक तरफ हो गई, इसको हम पलट देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।